हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं नई जगह पे आके कैसा महसूस कर रही हूँ। बहुत दिनों से सोच रही थी कि एक ऐसा व्लॉग बनाएं और उसे अपडेट करें, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था केरी की वजह से। केरी अभी तो सो गई है और मैं बस किचन में हूँ। थोड़ा सा दूध गर्म करना था तो बस वही उसी का काम कर रहे थे। और आज जगन्नाथ जी की पूजा थी तो मम्मी ने मॉर्निंग में ही पूजा कर ली थी। और जैसा कि मैं बता रही हूँ कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं नई जगह पे आके कैसा महसूस कर रही हूँ, तो मैं बहुत मिस कर रही हूँ पुरानी जगह को। यहाँ कुछ भी वैसा नहीं है, वहाँ के लोग, वहाँ का खान पान, और शायद ये भी कह सकते हैं कि अभी मुझे यहाँ आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसलिए मैं खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। सबको मिस करती हूँ, मम्मी को, पापा को, सबको। और यहाँ भी अच्छा लगता है और शायद अच्छा लगने लगेगा भी। कोशिश करती हूँ कि हर दिन खुद को एडजस्ट कर लूँ। और आज जगन्नाथ जी की पूजा थी जो कि मम्मी ने करी थी और सुबह सारा खाना बन गया था। आज हस्बैंड का बर्थडे भी है तो अभी शाम का देखते हैं क्या करना है। वैसे तो उनकी इस समय रिव्यूज़ मीटिंग चल रही है तो वो बहुत बिज़ी रहते हैं। कल रात में भी बहुत देर से आए थे, 10:30 बजे आए थे। तो मम्मी को शायद टीका भी करना, मम्मी को चौक रख के टीका करना होता है उनका, तो वो भी काम भी मम्मी करेंगी। मैंने शायद यहाँ पे मम्मी गुलगुले बनाती हैं और थोड़ा सा पूड़ी बनता है मॉर्निंग में। मम्मी ने कद्दू की सब्ज़ी, पूड़ी और जो जगन्नाथ जी की पूजा में लगता है जैसे कि गुजिया बनती है, पुए बनते हैं और पूड़ियाँ बनती हैं, थोड़ा सा गुड़ का मैं दिखा रही हूँ। जो ये कुछ ऐसा गुड़ का बनाया जाता है गेहूँ को करके, उसी में तो ये सब चीज़ें बनी थी और यही सब मम्मी ने बनाया था। तो पूजा का सारा हम लोगों ने पहले खाया पिया और उसके बाद में फिर इनको मम्मी ने भेज दिया था। अब शाम का भी देखते हैं कि आते हैं, अगर बाहर का प्लान होता है तो बाहर का, नहीं तो फिर घर ही पे कुछ ना कुछ खाना बनेगा। और केरी अभी फ़िलहाल सो गई है, आज उसका व्लॉग मैं अपडेट नहीं कर पाई हूँ। मैं भी थोड़ा सा अभी बाहर चली गई थी, थोड़ी देर पहले ही आए हैं, खाना खाने का मन भी नहीं कर रहा है अभी तो। और आप लोग बताएं कैसे हैं। केरी का वीडियोज़ प्लीज़ पसंद किया करिए, उसको देखा करिए। मैं रोज़ सोचती हूँ कुछ नया कराऊँगी, लेकिन उसके मूड पर डिपेंड करता है। वो कभी कुछ करती है, कभी कुछ नहीं करती है। और अभी जुलाई में उसका मुंडन है, 7 जुलाई को उसका मुंडन हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं उसे प्ले ग्रुप में डालने की कोशिश करूँगी कि 6 से 7 महीने वो प्ले ग्रुप में बैठना सीख जाएगी। और उसके बाद में फिर नर्सरी क्लास में उसका एडमिशन हो जाएगा। और अभी तो 2.5 ईयर की 18 अप्रैल को कंप्लीट होगी, तो फिर वही देखते हैं वो क्या करती है। अभी तो फ़िलहाल मैं उसको शीशे लेके आई हूँ, रूम में मम्मी के साथ सो रही है। तो मैंने सोचा मैं आज थोड़ा सा व्लॉग बना लेती हूँ। और तो बस यही सब चल रहा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी ने कैसे पूजा की है। 1 मिनट। ये कुछ इस तरह से पूजा करी जाती है। मम्मी ने ऐसे ही जगन्नाथ जी की फ़ोटो और दीपक वगैरह जला के सारा रखा था। और ये देखिए, आज मैंने पैरों में महावर भी लगाया है। तो वैसे तो यहाँ पे बहुत ही सन्नाटा रहता है, दोपहर पूरी सूनी सूनी जैसी रहती है, लेकिन शाम को रौनक हो जाती है। बच्चे नीचे उतर जाते हैं, नीचे पार्क है, वहाँ सब खेलते रहते हैं। और जब शहर सड़क से थोड़ा सा पहुँचेंगे सड़क के पास में, तो फिर आपको मतलब ई रिक्शा वगैरह सारा कुछ मिल जाता है, तो आप शहर को अच्छे से घूम सकते हैं। और अभी तो हम लोग खैर यहाँ पे नए हैं तो अभी ज़्यादा चीज़ें पता भी नहीं है। जहाँ कहीं भी जाते हैं हस्बैंड के साथ ही जाना होता है, वो भी अपने ही व्हीकल से जाते हैं। तो धीरे धीरे जब हम लोग निकलना शुरू करेंगे तो शायद हम लोग इस शहर को फिर अपना लें। अभी तो फिलहाल बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पर रहना, और हर दिन बस एक कोशिश ही रहती है कि आज का दिन निकल गया, आज का दिन निकल गया, कल का दिन आएगा, ऐसे करते हुए। तो बस ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि अपना घर छोड़ के और तो दूसरे घर में और फिर नए जगह पर
एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगता है। और शुरू से हम लोग मतलब पूरी एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, और अब बिल्कुल ही एकदम तीन ही लोग, तीन चार लोग रह गए हैं, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं तो सबको बहुत मिस करती हूँ, और जल्दी से इनसे कहती भी हूँ कि जल्दी से लेके चलो वहाँ, जब भी ज़्यादा दिन की छुट्टी हो आपकी तो फिर चलते हैं, घूम के आते हैं। लेकिन देखिए, जब भी मेरा जाना होगा तो मैं वो ब्लॉग भी अपडेट करूँगी आप लोगों के साथ में। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता है, ब्लॉगिंग पसंद आती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और खूब सारा सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन। इस टाइम मैं थोड़ा टाइम पे वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि केरी सुबह बहुत जल्दी मेरे साथ ही उठ जाती है और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि इनको जाना रहता है 9 बजे तक, तो हम मम्मी दोनों लोग किचन में ही चले जाते हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल समय नहीं मिलता कि मैं कुछ भी बना पाऊँ, और दोपहर में सो जाती है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं छोटा सा ही ब्लॉग उसका डालूँ। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़, जब भी मेरा वीडियो आए तो अगर आप तक वो पहुंचता है, बेल आइकन दबाइए। अगर आप तक मेरा वीडियो पहुंचता है तो उसे पूरा देखिए, लाइक करिए, केरी को प्यार दीजिए, एंड ढेर सारा प्यार चाहिए। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।